मध्य प्रदेश के शढ़ौल जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक मकान में पति पत्नी की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। पति पत्नी की संदिग्ध अवस्था में लाश मिलने से परिजन द्वारा हत्या की आशंका भी जताई जा रही है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस अब डबल मर्डर को शॉर्ट आउट करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। घटना शढ़ौल जिले के जयसिंह नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आमाझिरिया गांव की है। यहां रहने वाले 70 साल के राम मिलन पाव और उनकी 65 साल की पत्नी फूल बाई पाव की उनके ही निजी मकान के आंगन में संदिग्ध अवस्था में लाश मिली। शव से बदबू आने से ऐसा लग रहा है कि घटना को कुछ दिन बीत चुके हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मर्डर है या फिर स्वाभाविक मौत। मामले की जानकारी लगते ही शढ़ौल रेंज ADGP DG सागर और शढ़ौल SP कुमार प्रतीक मौके पर पहुंचकर मुआयना कर रहे हैं। आइए इस वीडियो में सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। एक महिला और पुरुष की डेड बॉडी मिली है। फॉरेंसिक अधिकारियों का कहना है कि ये कई दिन पूर्व की है। किन परिस्थितियों में ये मृत्यु हुई, इसमें मर कायम है, आसपास के लोगों से कथन लिए जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम तकनीकी रूप से और लोगों के कथनों और परिस्थितियों साक्ष्यों के आधार पर सत्य तक पहुंचने में कामयाब होंगे। बॉडी का PM होना है, आवश्यकता पड़ी तो इसे भोपाल भी विशेषज्ञ जांच के लिए भेजा जाएगा। हत्या की आशंका जताई जा रही है, अभी मर कायम है, इसमें सभी पहलुओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से फॉरेंसिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। अब तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे क्या निकलता है हम इसकी प्रतीक्षा रहेगी। वो ग्रामीण थे, कृषक थे, उनकी थोड़ी जमीन है और मुझे उम्मीद। और दूसरी चीज़ है कि उनका अभी तक जो पता चला है कि ये उस पुरुष की दूसरी शादी थी, पहली शादी के वहाँ पर उनका बेटा भी रहता है, परंतु इसका गहनता से पड़ताल करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक दंपति घर में अकेले रहते थे। उनका बेटा घर से करीब 1 किलोमीटर दूर अपने खेत वाले मकान में रहता था। गत रात्रि मृतक का कोई रिश्तेदार घर पहुंचा, तब इस घटना की जानकारी सामने आई और फिर पुलिस को सूचना दी गई है। तो ये थी अभी की क्राइम की खबर। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे क्राइम अलर्ट के साथ।